सिद्दीकी साहब बिस्मिल्लाम बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन मैं एक और मौजु पे बात करना चाहता हूँ और वो करूँगा लेकिन मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त और अजीज़ और आमरियत के खिलाफ लड़ने वाले एक जाँबाज मुजाहिद के फरजंद ने मेरी उम्र का भी हवाला दिया है और मुझे शर्म दिलाने की भी कोशिश की है शिवली फराज साहब ने हज़रत मौलाना आपकी आमद से पहले जनाब चेयरमैन मेरी उम्र का हवाला दिया और मुझे शर्म भी दिलाई बहुत शुक्रिया मुझे फ़ख्र है कि मैं उन वालदेन से ताल्लुक़ रखता हूँ और उन वालदेन का बेटा हूँ और उस ख़ानदान से मेरा रिश्ता है जिसको शर्मोहया का हमेशा बड़ा पास रहा है मेरी आँखों में उस वक्त भी शर्म थी जब मैं इस उम्र को नहीं पहुँचा था और शिबली फराज जैसा था मेरा ख़्याल ये है कि हम बहुत महजब अल्फाज में बात कर सकते हैं मैं उन अल्फाज में अपने अजीज को जवाब नहीं देना चाहता और ये शर्मो हया का जो सबक है और जो दर्स है मेरा ख़्याल है कि हम एक दूसरे को ना दें हमारे एक दूसरे के किरदार को हम सब जानते हैं एक दूसरे के अमल को हम सब जानते हैं मुझे मालूम है कि इनके दौर में इंसानी अकदार की कितनी पजीराई होती थी मैं जानता हूं कि इंसानी हकूक़ किस तरह पामाल होते थे मैं खुद उन इंसानी हकूक़ की पास्दारी की एक अलामत रहा हूं। मैं जानता हूं कि किस तरह किसी के अफीम पे अफीम डलती थी किसी पे चर्च डलती थी और वो महीनों और बरसों जेलों में पड़े रहते थे उस वक्त कोई इंसानी हकूक़ का किसी को ख्याल नहीं आता था कोई आवाज़ नहीं उठती थी किसी आँख में शर्म अंगड़ाई नहीं लेता था किसी दिल के अंदर कोई दर्द पैदा नहीं होता था कोई इंसानी हकूक की दुआई नहीं दी जाती थी सो आज इसी खातिर तो कतले आशका से मना करते थे अकेले फिर रहे हो यूसफे बेकार वाह होकर तो हम यही कहते थे कि मत करो ये वो फसल है जो बोगे तो काटी जाएगी और जब काटना पड़ेगी तो फिर रोना पड़ेगा मैंने कल ही परसों एक शेयर शेयर किया था कि फसल कांटों की हर खेत में बोते क्यों हो और जब काटना पड़ती है तो रोते क्यों हो तो इन मामला को हम छोड़ देते हैं मैं जनाबे चेयरमैन एक बड़े ही यासास मामले पर गुफ्तू करना चाहता हूँ पंद्रह मिनट मेरे कोलीग ने लिए हैं मैं उससे ज़रा कम वक्त लूँगा गुज्त रोज़ अली मरतबत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमरता बंदयाल ने कुछ रिमार्क्स दिए एक ऐसे मुकदमे में जिसका बर रास्त ताल्लुक़ इंतबात या इस तरह की चीज़ों से नहीं था उन्होंने फरमाया कि ना मुकम्मल है उन्होंने फरमाया कि पार्लियामेंट को जानबूझ कर मुकम्मल नहीं किया जा रहा उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट जो है उसके कानून मुतनाज़े हैं इसलिए कि वो मुकम्मल नहीं है उन्होंने और भी इस तरह की उन्होंने कहा कि हमारी तारीख़ का वाद दयानतदार वज़ी अजम उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा मोहम्मद ख़ान जुनेजो की तरफ था लेकिन उन्हें ये इसका पता नहीं किसने दिया है कि लियाकत अली खान से इमरान खान तक तमाम को वो यक जुमश कलम बदानत करार दे के सिर्फ एक के बारे में फतवा दें ये तकलीफ़ देरी मार्क्स से जनाब अली हम अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं और जो ममालिक और जो कौम अदालतों का एहतराम नहीं करती वो ना इंसाफ़ी का भी शिकार होती हैं इंतशार का शिकार होती हैं और और उनका ताना बाना बिखर जाता है हमने अदलिया का उस वक्त भी एहतराम किया जब बुटो को फांसी दी गई हमने अदलिया का उस वक्त भी एहतराम किया जब एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार मार्च लाओ की तोसी की गई हमने अदलिया का उस वक्त भी एहतराम किया जब एक जर्नैल को बावर्दी इंतबाब लड़ने की इजाज़त दी गई हमने अदलिया का उस वक्त भी एहतराम किया जब एक वज़ी अजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पर आपने घर भेज दिया उम्र भर के लिए हमने हर फैसले के सामने सर तस्लीम खम किया है हम आइंदा भी करेंगे अदलिया जो कहेगी इंतख़ाबात के बारे में हम उसको मानेंगे हम आइन को मानते हैं मेरी जतीि राय के अंदर जो शिबली ने कहा है नवे रोज़ के अंदर इंतबात होने चाहिए मैं उनकी तइद करता हूँ लेकिन आपके आने से पहले शाद तावान साहब ने मेरे कहने पे इस मसले को उठाया और जनाब चेयरमैन एक रूलिंग दे चुके हैं कि इस मामले को लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किया जाए हम वहाँ ये बात करेंगे लेकिन मैं ये बड़े अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये रियासत तीन सतूनों पे खड़ी है अदलिया एक सतून है इंतज़ामिया एक सतून है मकन एक सतून है और आज कल हम अपने दोस्त जो हमारे सहाफ़ी हैं आ, आ, इसको भी चौथा सतून कहते हैं सहाफत मामला ये है जनाब अली कि यहाँ जिस तरह सड़कों और चौराहों पर गलियों में बाज़ारों में तजावजात होते हैं इसी तरह यहाँ भी तजावजात हो रहे हैं और हर तजावज़ का रुख पार्लिमेंट की तरफ है कोई ताकत के और बंदूक के जोर पर पार्लियामेंट को दबोच लेता है इसकी जिंदगी खत्म कर देता है इसको कत्ल कर देता है इसके कायदेवान को घर भेज देता है अदालत उजमा और अदलिया उसका एक दायरा कार है हमने देखा है जब हमने अदलिया की तहरीक में हिस्सा लिया इफ्तार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए और जजों की बहाली के लिए उसके बाद से एक्टिविज्म का एक ऐसा अंदाज शुरू हो गया है कि तजावजात हमारे यहाँ हम भी आ गए हमारी आइन तरमीमें भी चैलेंज हो जाती हैं हमारे बनाए हुए कानून भी चैलेंज हो जाते हैं आज कल भी एक कानून जो है नैब का वजेर बैस है ठीक है लेकिन वहाँ पर जज साहिबान जब गौर विक्र करते हैं तो उन्हें ये तो सोचना चाहिए कि इस पर पार्लियामेंट के कुछ चार सौ पाँच सौ अरकान भी गौरव फिक्र कर चुके हैं और उसके बाद ये आया है हम उनके इख्तियार में सर कोई मदाखलत नहीं चाहते हम उनके फैसलों के सामने सर झुकाएंगे वो फैसला चाहे हमें कितना ही बुरा लगे कितना ही नागवार लगे कितना ही नारवाह हो लेकिन खुदा के लिए आए रोज चाबुक लेकर इस पार्लियामेंट के पुष्ट पे ना मारे ये रिमार्क्स क्या हैं कि हमारी तारीख में सिर्फ एक वजीर आजम दयाल था अगर इस तरह के रिमार्क्स हम जजों के बारे में दें और कहें कि हमारी पूरी तारीख में एक ही चीफ जस्टिस दयालतार था क्या वो काबिल कबूल होगा क्या वो काबिल कबूल होगा ये कैसे कह दिया है उन्होंने कि पार्लीमेंट मुतराजे हो गई है क्यों मुतराजे हो गई है पार्लियामेंट अक्सरीत का नाम है कौमी असम्बली में आज भी अक्सरीत बैठी हुई है अक्सरियत कानून बनाती है यहां पूरी पूरी पूरा सेनेट मौजूद है सेनेट अक्सरीत से कानून बनाती है तो ऐसी बातें जो हमारी तो हमला है हमारी तकरीम पर हमला है हमारी पार्लिमेंट की सवरनिटी पर हमला है पार्लिमेंट के वकार पर हमला है पार्लीमेंट की इज्जत पे हमला है पार्लियामेंट के नाम पे हमला है ऐसी चीजें ना करें हम अदब से एहतराम से बड़ी बड़ी आजजी के साथ बड़ी इंकसारी के साथ ना वो अवाम के नुमाइंदे हैं ना अफवाज पाकिस्तान अवाम की नुमाइंदी है ये हाउस अवाम का नुमाइंदा है अवाम के नुमाइंदे को इस तरह से तजीक के साथ बर्ताव ना करें अवाम के नुमाइंदे को अपना काम करने दें वो कानून बनाते हैं कानून में आपको सुखम नजर आता है आप आइन के मुनाफी ख्याल करते हैं आप पहले भी कानून खत्म कर चुके हैं आइंदा भी कर दीजिए हम नहीं रोक सकते आपको आज तक बताइए कि किसी अदालती फैसले को किसी वजीर आजम ने या किसी सदर ने या किसी पार्लिमान ने उसके रास्ते में रुकावट डाली हो हम नहीं डालते लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप मार्शल लॉ की तोसीक कैसे कर देते क्या मार्शल लॉ के दौर में आप इस तरह के रिमार्क्स देते क्या मार्शल लॉ के दौर में आप कहते हैं जी कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठा हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव बनके उसको तो आप कहते हैं वर्दी समेत तो मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ प्राइम मिनिस्टर कतल हो जाता है और बाद में कहते हैं जी ये ये हमसे गलती होगी हम पे दबाव था ये तारीख है तारीख को अपने सामने रखें हम आपका बहुत एहतराम करते हैं हम जानते हैं कि आपका एहतराम करेंगे तो मुआरा कायम रहेगा हम जानते हैं कि आपका एहतराम करेंगे तो कानून इंसाफ की फरमारवाई होगी हम जानते हैं कि आपका एहतराम करेंगे तो इस इस ऐवान का भी एहतराम होगा हम जानते हैं कि आपका एहतराम करेंगे तो अवाम के हकूक की निगहबानी होगी आप भी कुछ जान जाइए कि ये हाउस भी एक नाम रखता है एक मकाम रखता है एक वकार रखता है इस हाउस के बारे में आपके सामने केस ही नहीं है इस हाउस का भी और आप एक इरेलीवेंट केस के अंदर इस तरह के रिमार्क्स दे देते हैं तो मेरा ख्याल ये है जो हम कहा जाता है कि हर एवान की एक इज्जत होती है एहतराम होता है और उस एहतराम के सौते बाहर से नहीं फूटते हाउस के अंदर से फूटते हम अगर कोई हरकत करेंगे ऐसी जो कानून के मुनाफी होगी आइन के मुनाफी होगी हम अपनी बेतौकीरी करेंगे अदालतें अगर अपने इदारा कार से निकलकर सियासी बयान देंगी इिवेंट तो फिर हम तोहन नहीं कर रहे होंगे वो खुद देख लें कि वो क्या कर रहे हैं तो मेरी आज जाना ख्वाहिहिहश पे मैंने सुबह इल्तमास की थी वज़ी ममलकत बराए क़ानून से उन्होंने मेरे कहने पे ये इशू उठाया है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब चेयरमैन साहब का कि उन्होंने इस इशू को कमेटी के स्पुरद कर दिया है और अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इसका मकसद हर ये नहीं है कि हम अदालतों पर कोई दबाव डालना चाहते हैं अदालतों पर आ, कोई मर्जी अपनी मुसलत करना चाहते हैं डालते अपना काम करें अगर कहीं हम गलत हैं हमारी रानुमाई करें लेकिन उठते बैठते ये बातें ना कहें कि जी हाउस नामुकम्मल है हाउस की लेजिस्लेशन मुतनाज़ हो गई है फ, एक ही वजीर आज़म दयानंदार था ये केस ये केस जब आपके सामने आएगा कि जी इतने वज्रजम में से कौन सा दयानतदार था तो फिर कोई कमेटी बना के फैसला कर लें मेहरबानी जी शुक्रिया एक एक आखिरी बात सर एक आखिरी बात जो बातें मेरे दोस्त शिबली ने कही हैं वो उनका मैं अपने कहीं बई खाते में लिख रहा हूँ मुनासिब वक्त पे इंशाल्लाह उनके का जवाब दूंगा। इन्शाले। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार